भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर सोमवार को धरने पर बैठ गए, जहां छात्रों ने कॉलेज और हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बीएससी नर्सिंग की करीब 200 से अधिक छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि 2020 बैच बीएससी नर्सिंग में पिछले 3 वर्षों से पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को अब तक हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। नर्सिंग छात्रों ने कहा कि राज्य के लगभग सभी कॉलेजों में छात्र छात्राओं को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वे सभी पिछले कई वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि कॉलेज परिसर में फैकल्टी मेंबर भी समय पर पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि यहाँ पर पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है, जबकि फिजिकल एक्टिविटी के लिए लैबोरेटरी की सुविधा भी नहीं है। अपनी परेशानियों को लेकर नर्सिंग छात्राओं ने कहा कि कई बार प्राचार्य अनुराधा दुबे के समक्ष यह बात रखी गई, लेकिन इस मामले में सिर्फ टाल मटोल करने का कार्य किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक भी समय पर नहीं आते हैं और हॉस्टल सुविधा के अभाव में उन सभी को बाहर किराया लेकर रहना पड़ रहा है। बीएससी नर्सिंग के छात्राओं ने बताया कि अगर अपने निजी कार्यों से वे सभी बाहर जाते हैं तो गार्ड भी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं सोमवार को कॉलेज के शिक्षकों से जब प्राचार्य के बारे में पूछा गया तो शिक्षकों ने प्राचार्य के छुट्टी पर होने की बात कहकर नर्सिंग छात्रों की मांग जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया गया। इधर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि इस समस्या से वे सभी तंग आ चुके हैं और अब अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनके द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। पानी तो हमारे कॉलेज में ना आता है ना आ रहा है, ना कॉलेज ना हॉस्टल में। फिर खाना की बात हुई, खाना में भी क्लीननेस उतना नहीं रहता है। फिर लड़कों के लिए ना हॉस्टल है ना खाना का यहाँ पे सुविधा है। फिर उसके बाद आता है जैसे मतलब लाइब्रेरी, सारे कॉलेज में लाइब्रेरी होता है, पर ये कॉलेज में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जो कि एक बहुत नेसेसरी, मतलब हम लोग कितना सा बुक खरीदेंगे वो पॉसिबल है नहीं। उसके बाद हॉस्टल भी नहीं प्रोवाइड है, यहाँ पे टीचर्स की फैकल्टी की बहुत कमी है, मतलब बहुत, मतलब 2-3-4 टीचर है मुश्किल से, वही हम लोग को पढ़ाते हैं। और हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने को पर हम लोग का सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है अभी तक, हम लोग एग्जाम कैसे देंगे। उसके बाद हम लोग को मतलब बाहर जाने का पर वो तो ठीक है, हम लोग को वीक में एक बार निकलने को मिलता है बाहर, उसके बाद भी हम लोग से मतलब पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो, हम लोग वार्ड मैम को कॉल करो हर कुछ में, बताओ उनको कहाँ जा रहे हैं, वही हम लोग के साथ दुर्व्यवहार होता है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कितने देर में आएंगे, ये सारे कुछ हमको गार्ड पूछता है। आने फिर झोला चेक करता है क्या लेके आए, फिर या वार्डन मैम भी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही हैं, जो भी मतलब है, मतलब ओवरऑल हॉस्टल में ना बहुत सारा प्रॉब्लम है। एटलीस्ट पीने को पानी मिल जाए, पीने तक का पानी नहीं मिलता, कैंट का फिल्ट्रेशन रेट भी बहुत कम है। सावन की 5वीं सोमवारी के अवसर पर भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में रिमझिम बारिश के बीच सोमवार को कांवरिया सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान राजद के जिला उपाध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता ने सैकड़ों कांवरियों को फल का प्रसाद वितरण किया, जबकि शिविर में राजद नेता ने देश में सुख शांति और उन्नति की कामना करते हुए कहा कि बाबा भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। साथ ही कहा कि अपनी कामनाओं को लेकर बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंचने वाले सैकड़ों कांवरियों को सेब और केला का प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में कांवरिया मौजूद रहे। मैं दिलीप कुमार गुप्ता, युवा राजद जिला उपाध्यक्ष, बाबा भोलेनाथ के असीम कृपा से, उनके आदेश से आज शुभ सोमवार को बहुत खूबसूरत मौसम है। इसमें भोले बाबा के भोला बाबा जो हमको कहे मैं वो कर रहा हूँ। इसमें फल का वितरण करके बोलबम कांवरियों का सेवा कर रहे हैं। इसमें केला और सेब बोलबम कांवरियों के बीच में जो है वितरण कर रहे हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं ये? तो लगभग जो है 25-26 साल से ये सेवा कर रहे हैं। भागलपुर में भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक एवं एमबीआई के द्वारा वाहनों की जांच के क्रम में लगभग 10 ट्रक को ओवरलोड के आरोप में पकड़ा गया है।
एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी ट्रक में एनटीपीसी का एस लोड था और सभी ट्रक में नियम के अनुसार ही लोडिंग की गई थी। इसके बावजूद बिना नाप तौल कराए ही सभी गाड़ियों को थाने में लगवा दिया गया। इसको लेकर एसोसिएशन के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एनटीपीसी और परिवहन विभाग की मिलीभगत से एस लोड गाड़ियों को ही पकड़े जाने की बात कही गई है। साथ ही जिलाधिकारी से स्वयं इसकी जांच करने की बात करते हुए कहा कि अगर एसोसिएशन गलत हो तो एसोसिएशन पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि आए दिन इस तरह से परिवहन विभाग के द्वारा मनमानी की जाती है, जिससे ट्रक मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से हम लोग का मिलने का मेन पर्पस अभी तत्काल का जो करंट जो है, अभी तत्कालीन कारण है कि एनटीपीसी में जो एक ढंग से महाघोटाला का कार्य किया जा रहा है, हो रहा है, उसका हम लोग को सजा मिली हुआ है। ये हम लोग की गाड़ी टोटली अंडर लोड है, 10 गाड़ी पकड़ी गई है और उसको जाली काटे के दिखा करके हम लोगों पे फाइन किया गया है, जो कि सरासर गलत है। हम लोग मांग करते हैं कि किसी भी स्वतंत्र से जांच टीम द्वारा उसका जांच कराया जाए। अगर हम दोषी हैं तो उसका फाइन किया जाए, निर्दोष हैं तो दोष हम लोग को मुक्त किया जाए और इस महाघोटाला में सम्मिलित एनटीपीसी के अधिकारी, एनएचआई के अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भागलपुर में आधार इन बिल्ड सर्विस के माध्यम से अब लोगों को पैसे की निकासी के लिए घंटों कतार में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। शहर में आधार इन बिल्ड सर्विस के जरिए अब लोग अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसों की निकासी कर सकेंगे। इसकी शुरुआत बीडकॉम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के द्वारा की जा रही है। इसको लेकर कंपनी के CEO मोहम्मद तारिक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जहां उन्होंने खास तौर पर छोटे छोटे व्यापारी वेंडर्स के साथ कंपनी की सुविधा से जुड़ी जानकारियों को लेकर चर्चा की। CEO ने बताया कि ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा होने के बावजूद लोगों को बैंकों में घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे छोटे व्यापारियों के समय की काफ़ी बर्बादी होती है। वहीं इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CEO मोहम्मद तारिक ने कहा कि इसको देखते हुए कंपनी द्वारा यह सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें वृद्धा पेंशन की रकम मिलती है, अगर वो बैंक जाने में असमर्थ हैं तो कंपनी डोर स्टेप जाकर भी पैसे का भुगतान करेगी, जबकि इस कार्य में लोगों का पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। मौके पर कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर और कर्मचारी समेत कई वेंडर्स मौजूद रहे। स्टेट बैंक में गया था पैसा निकालने के लिए, मुझे इतना परेशानी लगा, 1000 रुपया मुझे निकालने के लिए मुझे इतना परेशानी, 3 घंटा बैठना पड़ा और उसी से इंस्पायर होकर के मैंने गया आधार इनबिल्ट सर्विस में, तो मैंने देखा कि एक थम देने के बाद मुझे तुरंत 1000 रुपया मिल गया, जिससे मुझे टाइम का भी किल नहीं हुआ और मैं खुशी खुशी समय पर भी आ गया। उसी पैसे को निकालने के लिए मैं गया था तो सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक था, ये टाइम का किल हुआ। उसके बाद इसी प्रेरणा से आकर के मैंने सोचा कि मैं गरीब आदमी को, जो चल नहीं सकता है, जो बूढ़ा है, जिसको पेंशन मिलता है, उस सब के लिए वो घर तो नहीं जा, घर से निकल नहीं पाते हैं, तो मैं उनके घर पे जा कर के थम से पैसा निकाल। हमारा पोर्टल का ऑनलाइन पे ये गूगल पे हमारा नाम है, एक बार गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे सोनी गैस सर्विस के नाम से, मैं 24 आवर में खड़ा रहूँगा। फाइनेंशियल बैंकिंग सेवा है ये, और हमारे यहाँ पे जो है जो बैंक में जो कस्टमर जो पेमेंट नहीं निकाल पाते हैं, हम लोग इनिशिएट छोटा छोटा दुकान खोल करके कस्टमर को सर्विस देते हैं पेमेंट निकालने के लिए, और वो आधार के थ्रू अपना पेमेंट निकाल पाते हैं 1 दिन में 10,000 रुपये। शहर के एक निजी विवाह भवन में केसरवानी महिला समिति की ओर से सावन मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव और नागरिक विकास समिति के राकेश रंजन केसरी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में नृत्य प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, फैशन शो समेत कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और बॉलीवुड नृत्य के अलावा विभिन्न प्रकार के नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में भी काफी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें सभी उम्र की महिला शामिल हुई। इधर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि इतनी सारी महिलाओं और बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेते देख कर काफी खुशी हो रही है और सावन के महीने का जश्न भागलपुर की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। वहीं पूर्व महापौर डॉक्टर बीना यादव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों ने बहुत अच्छा काम
किया है और उन्हें विश्वास है कि सभी ने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया है। साथ ही कहा कि केसरवानी महिला समिति द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में सभी ने सावन मेला का आनंद लिया, जो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। कि आयोजन हम लोग बना रहे हैं सावन महोत्सव, केसरवानी महिलाएं हम लोग सारे इकट्ठे होकर सावन महोत्सव मना रहे हैं। ये हम लोग की बहुत दिली इच्छा थी कि ऐसे तो पूरे समाज के साथ होता है, लेकिन हम लोगों का इच्छा हुआ कि हम लोग सिर्फ ओनली महिलाएं मिलके इकट्ठे होकर एंजॉय करें। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम रखा गया केसरवानी महिला समूह, ऐसे रखा गया। और उसी उद्देश्य को लेकर चला है कि हम लोग अकेले नहीं मिल पाते हैं, सिर्फ महिलाएं, तो क्यों ना इसी बहाने हम लोग मिलें और इन्जॉय करें, खेल कूद डांस जितना भी इन्जॉय हो सकता है हम लोग खूब मस्ती से करें। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोग चले हैं कि सावन का महीना है, भोले बाबा का दिन है, तो हम लोग सोचे इसी में इन्जॉय करते हैं। तो